सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मेरी आवाज़ बहुत अजीब लग रही होगी ना, लग रही होगी कि मेरी नहीं किसी और की है, बट नो, ये मेरी आवाज़ है। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, कोल्ड हो गया है। कल रात में तो बहुत फीवर था, बट ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। तो आज फिर से हमें जाना है डॉक्टर के यहाँ, बट कोई बात नहीं, आज मैं आप लोग को बोर नहीं करूंगी वो डॉक्टर की सारी व्लॉग बना के, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना, क्या एक ही चीज़ ला रही है बार बार। तो क्या करूँ यार, लाइफ में चलता ही वही है, कुछ न्यू रहे, कुछ अलग रहे, तब तो मैं कुछ अलग दिखाऊँ ना, बट नहीं, लाइफ में यही चल रहा है कि डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर के यहाँ से आओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, फिर आओ, फिर घर पे ही रहो, बस यही चल रहा है। तो थोड़ा सा करना है इस चीज़ को समझना कि मेरी लाइफ में अभी कुछ बचा ही नहीं है, बस डॉक्टर ही बच गया है। ये रहा, एक्चुअली ना मुझे ये आए मामा, एक्चुअली ना ये मुझे लगाना है, उसके बाद शूज पहनना है, उसके बाद रेडी होना है, उसके बाद जाना है। तो व्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ, आज पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी, बता दूंगी डॉक्टर ने क्या कहा। वैसे मैक्स पहले से बहुत सही है, ये डॉक्टर थोड़ा सही है, तो चलो मम्मी की बात एक बार सुन कर आते हैं। ये हाँ मामा, देखो आप लोग एक चीज दिखाओ, देखो मैक्स आके बैठा है, ये देखो पुछिला पुछिला पुछिला, अले 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 अले, बाय मम्मा जा रहे हैं, लाडू बाय, लाडू बाय। गुस्सा हो, आपको नहीं लाए साथ में, ऊपर चढ़ भी नहीं पा रही हो। चलो मार, दो मीटर को मार चेंज करके। क्या वो तुम वैसे ही फेंक दिए, बाहर फेंक दिए, बाहर बाहर फेंक दिया आपका दुपट्टा। ये वाला लीजिए गाइस, मेरे फोन में कॉल आ रहा है, ये मत देखो। अभी मैं अपना ड्रेस निकालने के लिए पूरा खराब करके रखी हूँ, देखोगे? छोड़ो मत देखो, थोड़ा सा देख लिया ना, बाहर मत देखो, बहुत गंदा है। आप लोगों ने कितनी गंदी रहती है, पर गंदी नहीं रहती मैं यार, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और ना जब मुझे बाहर जाना होता ना, मैं पूरे अपने पूरे सब फैला देती हूँ, क्या पहन के जाऊँ नहीं पहन के जाऊँ। तो बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, तो अभी बाहर में बहुत ठंडी ठंडी हवा लगेगी, तो इसलिए मैं इसको पहनी हूँ, तो इसलिए गंदा है वो। यार मेरे में ना बार बार कॉल आ रहा है, तो दो मिनट रुको, मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, एक बार कॉल उठा लूँ, ठीक है? यार आप लोगों को पता है एक शर्म की बात मेरे लिए क्या है, कि मुझे ना अपना शूज का लेस सही से बांधना नहीं आता, मैं बांध ली हूँ, लेकिन ना वो प्रॉपर नहीं है, नीचे आ रहा, तो अगर नीचे आएगा तो मैं गिर जाऊंगी। मैं देखोगे कैसे बांधनी हूँ, दिखा, ये देखो ऐसे बांधने में लटक रहा है, ये देखो मैक्स अभी तक बैठा है। मम्मा की बेटी, मम्मा भूत बन गया, मम्मा बेटी मामा, मेरे शूज का लेस पिन है, पिन पिन, मेरी बेटी मामा बच्चों, गन्ना कहाँ से लगाया मामा, मम्मी की बेटी गन्नी कैसी हो गई, अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बच्ची, मुँह घुसा दो, घुसा दो पूरा अंदर, तुम्ही को तो खाते हैं, घुसा दो मेरी बच्ची, तुम कहाँ वाली, तुमको नहीं लेके जाएंगे। एक तो ना यार, मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो ऑटो वाला मुझे करने नहीं देता, ठीक है? अभी मैं गई थी अपना शूज वो करने, और वो आ गया एकदम हड़बड़ा देता है यार, ऑटो मेरे दुश्मन बन गया, चलो चलते। तो गाइस हम लोग आ गए बहुत मुश्किल से डॉक्टर का क्लिनिक मिला, बुला गए थे हम, एक और डॉग आ रहा है, एक और डॉग आ रहा है, इसको पता ही नहीं डॉक्टर क्या है, घूम रहा अपना बस, कहाँ है यार, रॉकी की तरह, रॉकी की तरह एक डॉग दिखाऊं आप लोगों को, रुको दिखाऊं उनकी बॉडी में, हाँ यार ठंडा है, मेरे को लग रहा है उसको नहीं लग रहा, तो गर्मी लग रहा है। सो गाइस हम घर आ गए, एक्चुअली ना बहुत लेट हो गया, सॉरी मेरा कैमरा गंदा था, एक्चुअली ना बहुत लेट हो गया, हम लोग निकले थे यहाँ से 10:30 में, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे हो कितना लेट हुआ, 10:30 से अभी 12:30 हो रहा है, तो 2.5 घंटा तो हो गया यार, हालत ख़राब हो गया बिल्कुल। पता है मेरे को वैसे ही फीवर था, कल रात में आया था, अभी और ज़्यादा तेज़ हो गया नाक वाक का सबका बैंड बजा हुआ, आवाज़ तो मेरी समझ में आ ही रही होगी ना कि तबीयत ख़राब है। तो हुआ एक्चुअली ये है कि मैक्स का पैर का उन्होंने कहा कि हड्डी जो होता है ना बोन लेग का, वो थोड़ा सा राइट पैर से डिफरेंट है लेफ्ट का, ऊपर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्रैम्प्स आया है, सो उसका अभी मेडिसिन चलेगा, वो बोले एक अचानक ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक होगा, तो उसको दर्द तो करेगा, वो तो एक्टिव नहीं रहेगा, अभी जब पूरा ठीक हो जाएगा तभी होगा, और इसके लिए मैं टाइम नहीं दे सकता कि कब तक ठीक होगा, बट ज़्यादा चांसेस है ठीक हो जाएगा, मेरे से बोला नहीं जा रहा यार,
सांस भी नहीं लिया जा रहा है। या अल्लाह क्या चाहते हो, मैं मर जाऊँ क्या चाहते हो यार, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। और ज़्यादा बोल रही हूँ ना तो मेरी ही आवाज़ मुझे चुभ रही है एकदम कानों में। आप लोग को तो मेरी आवाज़ नहीं चुभ रही ना, बताते के साथ मैं ये खोली हूँ, इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना कि पूछो मत। अब पता है आपको एक बात की, बुजो नहीं आया है 3 दिन से खाना खाने और वो प्रेग्नेंट भी है। आई मीन आप लोग सोचे कि बुजो प्रेग्नेंट कैसे, लड़का है क्या? लड़का नहीं है, वो लड़की है एक्चुअली। बहुत सारे बेबीज एक साथ हुए थे ना तो हम सबका नाम बुजो रख दिए थे, तो वो बुजो ही है पर वो लड़की है, ठीक है। तो वो प्रेग्नेंट है तो वो 3 दिन से खाना नहीं खाने आई है, तो कमज़ोर हो गई होगी यार, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो एक बार हमें चल के देखना पड़ेगा, आवाज़ देने से आ जाता है मुझे बोलने की आदत है ना, तो कन्फ्यूज़ मत होना, तो आ जाता है आवाज़ देने से। बट ना हम 3 दिन से आवाज़ देने नहीं आया है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं जा नहीं पाई। बट अभी मैं एक बार जाती हूँ, आँख में पता है मेरे कुछ चला गया है, पानी आ रहा है, तो आवाज़ देने से भी नहीं आ रहा है बुजुर्ग, तो एक बार हमें जाके चेक करना पड़ेगा। तो चलो एक बार चेक करके आते हैं बाहर, ठीक है, उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि मेरी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे खड़े रहना पड़ा ना तो अच्छा नहीं लग रहा, और रात भर मैं सोई भी नहीं हूँ, तो इसलिए चलो जल्दी से आते हैं, उसको ढूंढ के उसके बाद रेस्ट करते हैं थोड़ा। आँख में कुछ चला गया यार। सो गाइस निकल चुके मैं और मम्मा, तो चलो एक बार ढूंढ लेते उसे। बुजो मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं चिल्लाऊँ क्या? बुजो ऐसा लगा झाड़ी हिला बट है नहीं। बुजो नहीं है यार, इधर नहीं है, इधर एक बार मैं उधर उधर ढूंढ लेती हूँ, कैमरा मतलब फ़ोन रख के ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और फ़ोन को ना लेकर चिल्लाना हो नहीं पा रहा है। तो काम करती हूँ, मैं फ़ोन को रखती हूँ, अभी मैं पापा आ रहे हैं मेरे, आज मेरा स्कूटी भी घर पे नहीं है तो पापा अभी जस्ट आ ही रहे, थोड़ी देर में मैं कॉल की थी, काम था कुछ, तो पापा आ रहे तो मैं और भाई एक बार स्कूटी से पूरे एरिया का एक बार राउंड लगा लेंगे, आवाज़ दे दे के तो मिल ही जाएगा। तो चलो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ऐसे चल के ढूंढना उसको पॉसिबल नहीं है, चल के मैं कितनी दूर जाऊंगी, मैदान तक जाऊंगी, रोड पे जाऊंगी, तो इसलिए गाड़ी से ढूंढेंगे हम उसे। पापा एक बार गाड़ी लेके आते तो फिर हम उसे ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि ठीक है वो, लेकिन ना कभी कभी उसका आदत है 2-3 दिन नहीं आता है, बट अभी प्रेगनेंट है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइस घर आ चुकी हूँ मैं, आगे से आ रही थी ना मैं तो झाड़ी के उधर बैठ जाती हूँ, पहले आगे से आ रही थी ना मैं तो झाड़ी के उधर एक बंदा बैठा हुआ था, तो मैं अपना बोलते बोलते निकल रही थी, मुझे नहीं पता था कोई उधर है, जैसे भी देखी ना डर गई, जैसे भूत देख ली हूँ बंदा नहीं। तो चलो इसी के साथ मेरी जबान वो टूट गई, कुछ तो हो गया जो सही से बोल नहीं पा रही, मेरी बच्ची। तो चलो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं, और कुछ है नहीं मेरे पास अभी करने के लिए, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मुझे फीवर बहुत तेज़ आ रहा है, नाक से तो सांस जा ही नहीं रहा, मुँह से ले रही हूँ मैं, सर पता है अभी लिटरली बहुत दर्द दे रहा है, एक तो आँख में पता नहीं कुछ चला गया यार मेरे, एक बार मैं मुँह भी धो लेती हूँ ना। और गुड मॉर्निंग बेटी, गुड मॉर्निंग, अब बाय बोलने आए हो क्या? शेखर शेखर देखो कितना मस्त चिकन करता बाबा, शेखर गुड बाय, मैं गुड मॉर्निंग बाय बोल दो, बाय ऐसा हाथ उठो, बाय बाय। तो चलो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।